हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सलमा, आपकी कुकिंग फ्रेंड। दोस्तों, मैं दोबारा से हाजिर हूं विंटर स्पेशल एक और रेसिपी लेकर, जिसका नाम है बैम्बू चिकन। एकदम ऑथेंटिक रेसिपी है। इसमें चिकन काफ़ी ज़्यादा जूसी और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। इस मज़ेदार बैम्बू चिकन को भी अब हम घर पर बड़े ही आसान तरीके से बनाएंगे। तो चलिए फटाफट रेसिपी देख लेते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में तेल गरम कर लीजिएगा। अब इसमें 200 ग्राम प्याज को स्लाइस कट करके इसे सुनहरा गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। हमें चाहिए शैलो फ्राइड ऑनियन बरिस्ता। हाफ के जी चिकन को साफ करके छलनी में डालकर पानी अच्छे से छनने तक छोड़ देंगे। पानी पूरी तरह से निकलने के बाद इसमें नमक, 50 ग्राम हंग कर्ड टंगा हुआ दही और हल्दी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। चिकन के पीसेस मैंने छोटे 1 इंच या 1.5 इंच के रखे हैं। चिकन के पीसेस को छोटे ही रखना है, क्यों ये मैं आपको आगे बताऊंगी। बोनलेस चिकन या फिर बोन के साथ आप जैसे चाहे ले सकते हैं। इसमें 1 टेबलस्पून नींबू का रस भी डालकर अच्छे से मिक्स कर ले। चलिए अब इसमें दूसरे सूखे मसाले शामिल करेंगे। 1 चाय चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चाय का चम्मच ऑनियन पाउडर, 2 चाय के चम्मच धनिया पाउडर और 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर। 1 टेबलस्पून गार्लिक जिंजर पेस्ट और बरिस्ता जो हमने आगे फ्राई करके रखा था। थोड़ा सा ताजा कड़ी पत्ता, करी लीव्स, आठ से दस छोटी लहसुन की कलियां, 2 हरी और 2 लाल कच्ची मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया और 2 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल। ये ऑयल जो हमने बरिस्ता प्याज तैयार किया था ना तलकर, उसी में से बचा हुआ तेल है। सभी मसालों को चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तेल बिल्कुल ऑप्शनल है, आप बैम्बू चिकन बगैर तेल के भी बना सकते हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है हमने। अब इस चिकन को कम से कम 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। चिकन अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। चलिए अब आगे का स्टेप देख लेते हैं। इस तरह का हरा बैम्बू चाहिए हमें, यह आपको बाहर आसानी से मिल जाएगा। ये इस तरह से एक साइड से ओपन होना चाहिए और दूसरे साइड से बंद होना चाहिए। ये कैसे होगा? इस तरह का बैम्बू होता है ना, लंबा, ये इसका गांठ है ना, गांठ के ऊपर से कट करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, हमें एक साइड ओपन मिलेगा और एक साइड बंद। इस तरह से कप शेप का बैम्बू आपको मिल जाएगा। ये हमारे कुकिंग के लिए एकदम तैयार है। अब इस मैरिनेटेड चिकन पीसेस को उठाकर बैम्बू में भरना चालू कर देंगे। इसीलिए मैंने चिकन पीसेस को छोटे रखने के लिए बोला था, ताकि चिकन पीसेस को बैम्बू में आसानी से भरा जा सके। बीच बीच में बैम्बू को इस तरह से नीचे टैप करते रहिएगा, जिससे कि चिकन अच्छे से नीचे बैठ जाए। सारे मैरिनेटेड चिकन पीसेस को 3 पीसेस ऑफ बैम्बू में भर लिया है मैंने। इस तरह से बैम्बू को नीचे टैप करते हुए भरेंगे। और हाँ, बैम्बू को पूरा चिकन से नहीं भरना है,
इस तरह से मिनिमम 3 से 4 इंच का गैप छोड़कर चिकन को भरेंगे। अगर हम चिकन को ऊपर तक भर देंगे तो पकते समय सारा इसका जूस उबलकर बाहर आ जाएगा। अब केले के पत्तों को राउंड करके गोले जैसा बनाकर बैम्बू के मुंह को टाइट इन केले के पत्तों से बंद कर लेंगे। अच्छे से टाइट बंद करना है जिससे कि पकते समय चिकन का पानी बाहर ना आ पाए। केले का पत्ता अवेलेबल ना हो तो अरवी का या फिर कोई भी एडिबल पत्ता ले लीजिएगा। बैम्बू के माउथ को सील करने के लिए अगर कोई भी एडिबल पत्ता ना हो तो इस तरह का एल्यूमिनियम शीट लेकर इसे इस तरह से मोटा सा फोल्ड कर लीजिएगा, फिर इससे इसके मुंह को आराम से इस तरह से टाइट बंद कर देंगे, काम हो जाएगा। अगर बैम्बू चिकन बनाने के लिए बैम्बू ही ना हो तो क्या किया जाए? कुछ नहीं, सीधे कढ़ाई में डालेंगे, बैम्बू चिकन के बजाय कढ़ाई चिकन बन जाएगा। चलिए अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है देख लेते हैं। स्टोव को चालू कर लिया है मैंने, फ्लेम को लो रख के बैम्बूज को इस तरह से इंक्लाइन पोजीशन में रख देंगे। इसका मुंह वाला हिस्सा है ना, वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ होना चाहिए। किचन में आसपास देखिए, कुछ ना कुछ जुगाड़ तो मिल ही जाएगा। इन चीज़ों में तो हम होम मेकर्स बड़े ही माहिर होते हैं, है ना? अब क्या करेंगे, बैम्बू को इस तरह से घुमाते हुए जला लेंगे, जैसे हम भुट्टा स्टोव पे जलाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। बैम्बू अगर आंच पकड़ ले तो फ्लेम और भी कम कर दीजिएगा या फिर पूरे को ही बंद कर दीजिएगा। बैम्बू की लकड़ी का फ्लेम ख़त्म हो जाए तो स्टोव दोबारा से चालू कर लीजिएगा। इस तरह से पूरे 15 से 20 मिनट के लिए चिकन को पकने देंगे। दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर रेसिपीज अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो देख के निकल मत लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों से रेसिपीज़ को शेयर कीजिएगा और प्लीज़ उन्हें भी मेरा चैनल रेफ़र कीजिएगा। और हाँ, वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमें वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। पकते समय अगर पानी निकलने लगे तो इस तरह से थोड़ा हाइट और बढ़ा दीजिएगा। इसीलिए बैम्बू चिकन में एक्स्ट्रा कोई पानी नहीं डलेगा, चिकन का जितना पानी रहेगा वही सफिशिएंट रहेगा। दही भी हम टंगा हुआ बिल्कुल बिना पानी के लेंगे। 15-20 मिनट काफ़ी है, उससे ज़्यादा बिल्कुल मत जलाइएगा, नहीं तो अंदर से चिकन भी जल जाएगा। बस काम ख़त्म। हेल्दी, न्यूट्रिशियस, जूसी और बड़ा ही टेस्टी बैम्बू चिकन बनकर तैयार है। चलिए इसे निकाल कर देख लेते हैं और गर्मा गर्म सर्व करेंगे। ये देखिए, खुशबू भी बड़ी ज़बरदस्त आ रही है। इसे आप चावल रोटी या फिर बिना चावल रोटी के आपके जैसे जी में आए वैसे खाइएगा, बड़े मज़े का लगेगा। मेरे घर में तो बैम्बू चिकन सबका फेवरेट बन चुका है, हर 4 दिन में इसकी फरमाइश आ जाती है। रेसिपी के बारे में कुछ भी डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और हाँ, तारीफ करनी हो तो भी कर सकते हैं। स्टे कनेक्टेड। Thank you.